नंदन थाने में सब्जी विक्रेता ने आत्महत्या का प्रयास किया। उसने टेबल के कांच पर खुद का सर पटका, जिससे कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया। आरोपी के खिलाफ आत्महत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक किशोर नगराले ने अधिक जानकारी साझा की। आरोपी मूलतः अमरावती जिले की वरुड वर्तमान में नंदनवन झोपड़पट्टी निवासी सब्जी विक्रेता अनिकेत जगदीश बड़ोदे है। करीब एक वर्ष पहले उसका नंदनवन झोपड़पट्टी में ही रहने वाली युवती से प्रेम विवाह हुआ। शादी के बाद कुछ माह तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में अनिकेत शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। घरेलू कारणों को लेकर आए दिन उनमें विवाद होने लगा। रोज रोज की मारपीट और कलह से परेशान होकर गुरुवार को दोपहर करीब 12:15 बजे अनिकेत की पत्नी नंदनवन थाने उसकी शिकायत करने पहुंची। पीछे पीछे अनिकेत भी थाने पहुंचा। थाने में भी पति पत्नी के बीच कलह शुरू थी। मौजूद अधिकारी ने दोनों को फटकार लगाई और समझाने का भी प्रयास किया। इस दौरान तैश में आए अनिकेत ने थाने में टेबल के कांच पर खुद का सर पटक कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसके माथे व सिर में चोट आई है। थाने में ही इस अप्रत्याशित घटना से मौजूद सभी अधिकारी कर्मचारी चकित रह गए। दिनांक 10/3/2022 रोजी दुपारी 12:30 वाजता दरम्यान खुशबू उर्फ वंदना बड़ोदे हा तिचा पती अनिकेत उर्फ काल्या बड़ोदे हा मारहाण करतो म्हणून तक्रार द्यायला पुलिसांना आली। तिच्या मागेच अनिकेत उर्फ काल्या हा सुद्धा मागेला। तो पत्नीला म्हणत होता की मला माझ्याबद्दल तक्रार देऊ नको। ती तक्रार देत असताना अचानक त्याने पोलीस स्टेशनच्या गेटसमोर काचेवर स्वतःचे डोके आपटून काच फोडली। आम्ही त्याला लगेच ताब्यात घेतले, त्याचं मेडिकल केलं आणि त्याच्यावर 309 आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदरचं प्रकरण असं आहे की खुशबू आणि अनिकेत यांचं लव मॅरेज आहे। त्याची पत्नी तो पत्नीला मारहाण करण्याचा पत्नी रिपोर्ट द्यायला आली। पत्नीने रिपोर्ट दिल्यामुळे पोलीस मला आतमध्ये टाकतील या भीतीने त्यांनी डोक्यावर काच मारून स्वतःला जखमी करून घेतलेलं आहे। त्याला सूचनापत्रावर सोडलेलं आहे। पती पत्नी म्हणजे जसं नेहमी घरगुती भांडण होते त्याप्रमाणे तो दारूपिण्याचं सांगितल्यामुळे दारूपिण्या याच्यामुळे त्यांच्यात भांडण व्हायचे, तसेच तो रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे। लहूलुहान अवस्था में अनिकेत को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आला पुलिस अधिकारियों के आदेश पर सहायक उप निरीक्षक सविता यादव ने अनिकेत के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले में आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।